Hello students, now we are going to read the 7th story for the 3rd class. The story name is Nona and the Rain. So guys, now let's begin. It's raining, Grandpa. I can't play, complains Nona. Let's turn off the rain, she tells her Grandpa. तो नोना एक गर्ल है, यहाँ पे अपने दादाजी को बोलती है कि हम खेल नहीं पा रहे हैं. क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है. तो एक काम करते हैं, बारिश को बंद कर देते हैं. वो ऐसा अपने दादाजी को बोलती है. जो गर्ल है नोना, वो अपने दादाजी को बारिश को बंद करने के लिए बोलती है. चलो इसको बंद कर देते हैं. आगे क्या होता है? आर यू श्योर? आस्क ग्रैंडपा. यस, नाउ नोना इज एडमिट. ग्रैंडपा एंड नोना टर्न ऑफ द टेप. तो दादाजी पूछते हैं कि पक्का ऐसा करना चाहिए हमें, और नोना कह देती है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही करते हैं. और दादाजी और नोना दोनों ही मिलके जो रेन टैप है उसको बंद कर देते हैं. टैप क्या होता है? जैसे कि आपके घर में नल होगा, उसको आप ऑन करते हैं, पानी आता है, फिर बंद कर देते हैं तो पानी बंद हो जाता है. तो ऐसे ही रेन टैप, मतलब जिससे बारिश हो और जिसको बंद कर दें तो बारिश बंद हो जाए, तो इस तरह का टैप है. तो मैं बताना चाहता हूँ गाइस यहाँ पे कि एक तरह की फिक्शन स्टोरी है. ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है कि कोई रेन टेप हो. इट मींस नेचर का जो कंट्रोल इंसान के हाथ में, ऐसा हो ही नहीं सकता. चलिए तो आगे बढ़ते हैं. क्या है स्टोरी में? अ सन शाइन्स चीयरफुली. नोना इज हैप्पी. सन बिल्कुल अपने जोरों पर है, मतलब पूरा शाइन करने लगता है, और नोना हैप्पी हो जाती है. ऑल द चिल्ड्रन आर हैप्पी, दे जंप अबाउट एंड प्ले, द वार्म सनशाइन ऑन देम. सारे बच्चे जितने भी हो सारे खुश हो जाते हैं और जंप करने लगते हैं, खेलने लगते हैं. और जो सूरज की गर्म रोशनी है, मतलब गर्म जो एटमोसफियर हो गया, उसको एंजॉय करने लगते हैं. ग्राम सिंह इज सरप्राइज्ड. व्हाट हैज हैपेंड टू हिज ग्रीन फील्ड्स? द प्लांट्स आर ड्रूपिंग. ही लुक्स अप एट द ब्राइट सन. वेयर इज द रेन? ग्राम सिंह यहाँ पे एक आदमी है जो बड़ा सरप्राइज है अपने खेतों को देख के. वो देखता है कि उसके खेतों में क्या हो गया. सारी जो फसल है, पौधे हैं, वो मुरझा गए, सूख गए. फिर वो सन की ओर देखता है, कहता है कि बारिश कहाँ चली गई? सूरज इतनी तेजी से चमक रहा है, बारिश है ही नहीं दूर दूर तक. जस्ट देन द ग्राम सिंग्स फ्रेंड गैदर ऑन हिज फील्ड. तभी क्या होता है, ग्राम सिंह के जो फ्रेंड्स हैं वो फील्ड पे आके इकट्ठे हो जाते हैं. नोना एंड हर ग्रैंडपा हैव डन दिस, सेज सांता. दे टर्न ऑफ द रेन टैप. तो उसके फ्रेंड्स, मतलब जो नेम है एक सांता, वो बताता है उसको कि नोना और उसके ग्रैंड पा है, उन्होंने ये बंद कर दिया, मतलब जो रेन टैप है उसको बंद कर दिया. लेट्स गो एंड आस्क देम द रीजन. एवरीवन डिसाइड्स. बट व्हाई डू यू वांट रेन? आस्क नोना. तो सब लोग ये भरोसा करते हैं कि चलो चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो. जब वो नोना के पास जाते हैं तो नोना उनसे पूछती है कि आपको रेन चाहिए ही क्यों. उसका ऐसा क्वेश्चन है उन गाँव वालों से. लुक हाउ हैप्पी द चिल्ड्रन आर. They like the sun. The children want the sun. So the weather stays sunny. तो नोना कहती है कि देखो बच्चे कितने हैप्पी हैं. वो नहीं चाहते पानी को, वो सिर्फ सन को चाहते हैं. तो देखो उन सबको, ठीक है ना. तो ऐसा करते हैं, सनी ही रहने देते हैं. जो वेदर जैसा है वैसा ही रहने देते हैं. In the forest, Sher Khan feels thirsty. Where is the water in the pond? Only petals remains. The deer shake their head in despair. जंगल में जो शेर खान है, जो किंग है, वो प्यासा है, वो पानी ढूंढ रहा है. जब उसे पानी नहीं मिलता, वो देखता है कि पॉन्ड में, तालाब में कहीं भी पानी नहीं, लेकिन छोटे छोटे जो बारिश ऐसे कहें कि तालाब रह जाते हैं, उनमें कीचड़ का पानी रह जाता है, उस तरह का पानी है. और जो डियर्स हैं वो अपने सरों को हिला रहे हैं, मतलब उन्हें निराश है क्योंकि उन्हें कहीं भी पानी नहीं मिल रहा. वो सारे व्याकुल हो रखे हैं. द पॉन्ड नीड्स वाटर, देयर इज नो रेन. द एलिफेंट सेज, नोना एंड हर ग्रैंडपा डिड दिस, लेट्स गो सी देम. जो पॉन्ड है वो सारा खाली हो चुका है, पानी की जरूरत है, बारिश होनी चाहिए, एलिफेंट ऐसा कहते हैं. फिर वो बताते हैं कि नोना और उसके ग्रैंड पानी ये बंद किया है, ये सारा उन्होंने ही किया है. बट द सनशाइन मेक्स द चिल्ड्रन हैप्पी. नोना टेल्स शेर खान एंड हिज फ्रेंड्स, सो द सन शाइन्स ऑन. नोना उनसे भी वही बात कहती है कि बच्चे खुश हैं, वो सन को चाहते हैं, ठीक है ना, लेकिन चाहिए क्यों आपको? सभी लोग बच्चे हैं, वो तो सिर्फ सन को ही चाहते हैं. फिर वो आगे बोलती है कि ऐसा ही रहने दो, सन शाइन कर रहा है, उसको शाइन करने दो, चमकने दो. आगे, एट द फ्रूट मार्केट, नायक डिलीवर्स बॉक्सेस ऑफ ग्रेप्स. द फ्रूट सेलर वेट्स एगरली, 5 boxes, 10 boxes, 15 boxes. फ्रूट मार्केट में नायक कुछ बॉक्स डिलीवर करता है, अंगूर के जो ग्रेप्स के कुछ बॉक्सेस थे.
खरीदने वाली थी मतलब जो सेलर था वो बड़ी ही उत्सुकता से इन बॉक्सेस का इंतजार कर रही थी। आगे क्या होता है? What is this? Yelled the lady. I asked for grapes, not for the raisins. She opens all the boxes. The boxes have raisins instead of juicy grapes. वो बॉक्सेस को काउंट करती है 5, 10, 15. फिर वो चीखती है कि ये क्या है? वो लेडी पूछती है ये क्या है? उसने तो ग्रेप्स के लिए ऑर्डर दिया था, ये तुम कहाँ से किशमिश लेकर आ गए? वो कहती है, पूछती है, इसमें तो है ही नहीं। The hot sun has dried the grapes. Didi explained the Nayak. Nona and her grandpa did this. Let's go see them. वो बताता है नायक कि ये सब कुछ नोना और उसके ग्रैंडपा ने किया। उन्होंने वही बारिश को रोक दिया है तो सूरज बहुत गर्मी फैला रहा है जिससे क्या हो रहा है सब कुछ सूखता जा रहा है। उसी की वजह से ग्रेप्स सूख के अब किशमिश बन गए। But the children are so happy with the sunshine. They are more children than all of you, says Nona. Nona उनसे भी सेम बात कहती है कि सभी बच्चों को तो लेकिन धूप चाहिए, सूरज चाहिए और वो खुश हैं इससे। आपको क्यों पानी चाहिए? The sun continues to shine brightly. और सन लगातार चमकता रहता है। Today is a special day. Mr. and Mrs. Dev decide to check how their new house is being built. When they arrive at the place where their house is being built, they are surprised. Instead of a house, there are only some bricks and a few odd walls. आज बहुत स्पेशल दिन है मिस्टर एंड मिसेस देव के लिए। वो डिसाइड करते हैं वहाँ जाने का जहाँ उनका नया मकान नया घर बन रहा है। जब वो वहाँ जगह पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे हाउस की जगह सिर्फ कुछ वॉल्स हैं जो कि टेढ़ी मेढ़ी बनी हुई है, मतलब घर तो है ही नहीं वहाँ पे, और वो भी बड़े गलत तरीके से बनी हुई है। We need water to mix the cement. The sun has dried up all the water. As the workers who are playing cards. जो वर्कर्स वहाँ पे कार्ड खेल रहे थे मतलब जो घर बनाने वाले थे जो लेबर थी वो कहते हैं कि हमें सीमेंट को घोलने के लिए मिक्स करने के लिए पानी की जरूरत है लेकिन पानी तो है ही नहीं, धूप से सब सूख गया है तो क्या करें। I know who is behind this. Nona and her grandpa, says Mr. Dev, and off they go to see them. तो मिस्टर देव जो है वो कहते हैं कि मुझे मालूम है ये किसने किया, नोना उसके ग्रैंडपा ने किया, चलो मिलते हैं उनसे जाके देखते हैं उनको। ओह नो द चिल्ड्रन लाइक द सनशाइन असेट्स नोना टू एंग्री पीपल देयर आर मोर चिल्ड्रन देन ऑल ऑफ यू। तो नोना इनसे भी सही वही बात कहती है, आप जोर देखिए कि सबको पानी क्यों चाहिए, मतलब बच्चे जो है उनकी डिमांड है कि उन्हें सूरज मिले, सनशाइन चाहिए, वो धूप चाहते हैं, फिर आपको पानी क्यों चाहिए। And the sun shines on hotter than ever. Just then, Amma calls. There is no water in the well. We can't bath. We can't wash clothes. And we can't cook. What shall we do? फिर क्या होता है? कि दिन पर दिन गर्मी बढ़ने लगती है. सूरज और गर्मी फैलाने लगता है. तभी क्या होता है? नोना की जो अम्मा है वो उसको आवाज़ देती है और कहती है कि कुएं में पानी सूख गया है. हमारे पास ना तो नहाने के लिए पानी है, ना ही कपड़े वॉश करने के लिए और ना ही खाना बनाने के लिए, तो क्या करें हम, पूछती हैं दादी ऐसा। आगे क्या होता है? As she hears this, Nona wails, I am thirsty. Grandpa turn the rain tap on, says she. जब वो ऐसा सुनती है नोना तो वो प्यासी होती है और वो चीखती है कि मुझे पानी चाहिए, मैं बहुत प्यासी हूँ। और क्या कहती है ग्रैंडपा से कि ग्रैंडपा प्लीज जो रेन टैप है उसको ऑन कर दीजिए। ग्रैंडपा एंड नोना टर्न द रेन टैप ऑन अगेन। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, ग्रैंडपा और नोना रेन टैप को फिर से ऑन कर देते हैं। क्लाउड्स बिगिन टू फॉर्म, ड्रिजल फॉल्स एंड देन द रेन फॉलोज, एवरीवन वेलकम्स द रिफ्रेशिंग रेन। जब वो रेन टैप ऑन करते हैं तो पानी जो मतलब जो बादल है वो इकट्ठा होने लगते हैं। जब बादल इकट्ठा होते हैं तो ड्रिजलिंग शुरू हो जाती है, हल्की हल्की बारिश शुरू हो जाती है और सब लोग इसको एंजॉय करते हैं, मतलब वेलकम करते हैं। जो नई बारिश शुरू हो रही है, अब जो बारिश हो रही है उसको वेलकम करने लगते हैं। लुक ग्रैंडपा, एक्सक्लेम्स नोना, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द रेन, दे आर सो हैप्पी, दे आर हैप्पी इवन व्हेन इट इज रेनिंग। तो नोना फिर से एक्सक्लेम करती है, मतलब चिल्लाती है, कहती है कि देखो ग्रैंडपा, चिल्ड्रन कितने हैप्पी है, वो कितने खुश है और वो खेल रहे हैं बारिश में। उनको सिर्फ
वो कह रहा है कि उनको रेन में भी मजा आ रहा है, इट मींस उनको बारिश में भी मजा आ रहा है, उनको धूप में भी मजा आता है, इट मींस उनको खेलने के लिए, हैप्पी होने के लिए रेन भी चाहिए। वी नीड बोथ द सन एंड द रेन टू मच टू एनीथिंग इज बैड, सेज ग्रैंडपा। ग्रैंडपा बताते हैं कि हमको दोनों ही चाहिए, हमको बारिश की भी जरूरत होती है, हमको सन की भी जरूरत होती है। और कहते हैं कि किसी भी चीज की जो अधिकता होती है वो बहुत बुरी होती है। ग्रैंडपा नैना को नूना को समझाते हैं कि किसी भी चीज की जो अधिकता होती है ना वो हमेशा खराब रिजल्ट ही लेकर आती है। तो गाइस कैसे आपने देखा इस स्टोरी में, नूना और उसके दादाजी रेन टैप को ऑफ कर देते हैं जिसकी वजह से फिर बारिश होना बंद हो जाती है। और जब बारिश होना बंद हो जाती है तो किस तरह से लोगों को परेशानी होती है, किसान के खेत सूख जाते हैं, जंगल में पानी नहीं है जानवरों के पीने के लिए, कैसे जो सेलर्स हैं उनके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ड्राई हो जाते हैं, इवन जो मकान वगैरह बनाने के लिए लोग थे उनको बनाने के लिए पानी नहीं है। ये सारी जब दिक्कतें आती हैं, नैना को बार बार बोला जाता है, तब नैना फिर खुद नैना के घर में पानी नहीं रहता पीने के लिए ना खाना बनाने के लिए, तब जाके नैना को समझ आता है कि हाँ पानी की हमें कितनी ज़रूरत होती है। और फिर वो रेन टैप को ऑन करते हैं तब पानी आता है और तब बारिश होती है, फिर उनको बारिश की अहमियत समझ आती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।